बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं सीमेंस चौरंगी के पास आया हूं और यहाँ ये हबीब ऑयल मिल या हबीब ये कोई ऑयल मिल भी है यहाँ पर हैं। और ये आप देखें कि आज 3 अक्टूबर 2019 का दिन है और ये आप देखें कि ये सीमेंस इतनी बड़ी ह्यूज फैक्ट्री थी, ये भी सुना है बेच के चले गए यहाँ से। और नेचुरली जब ऐसे हालात हों तो कौन सी फैक्ट्री यहाँ काम करेगी। और ये सीमेंट चौरंगी का राउंड अबाउट भी टूटा फूटा है और सेवरेज बह रही है, इस सूरत में इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैसे हो सकती है और एक्सपोर्ट कैसे बढ़ सकती है। मैं सिविल सोसाइटी से अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि कराची को जो तबाही और बर्बादी हो रही है उससे बचाने के लिए अपना किरदार अदा करें और कराची को अगर प्रोग्रेस करनी है तो कराची पे तवज्जो देनी होगी और कराची को हरा भरा करना होगा। और ये सिंध बजट जो कि 1217 बिलियन का है, कराची का शेयर कहाँ यूज़ होता है ये भी देखना चाहिए। मैं सिविल सोसाइटी से अपील करता हूँ कि कराची को बर्बादी से बचाने के लिए अपना किरदार अदा करें। शुक्रिया।